हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक और न्यू फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ और ये वही फैन फिक्शन होने वाला है जिसमें ओमेगा वेइंग है और अल्फा लंगवांग जी है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 चैप्टर्स लिखने से रह गए थे, लेकिन एक्चुअली वो बोनस चैप्टर्स हैं। मेन स्टोरी जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है, तो अगर ऑथर आगे के चैप्टर्स नहीं भी लिखती हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक उन्होंने लिखा है मैं वहाँ तक आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये स्टोरी बहुत क्यूट सी है, टीन पेरेंट्स किस तरह अपने बेबी को संभालेंगे और साथ में अपने स्टडीज़ पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि वेइंग और वांगजी दोनों ही इसमें टीनेजर्स हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी भी बहुत पसंद आएगी। फर्स्ट पार्ट आज मैं शेयर कर रही हूँ, जैसा भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को 2K लाइक्स तक पहुँचा देना। ओके, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। आफ्टरनून का समय था, लंच रैन अपने घर के ऑफिस में ही था, पेपर्स को मार्क कर रहा था और अपना ऑफिस वर्क कर रहा था, तभी वो दरवाजे पर नॉक सुनता है। वो बाहर नहीं जाता क्योंकि वांगजी भी उस दिन घर पर था, तो चिरैन को पता था कि वांगजी देख लेगा दरवाजे पर कौन आया हुआ है। लेकिन चिरैन को फिर भी क्यूरियोसिटी हो रही थी क्योंकि फ्राइडे आफ्टरनून के समय पहले उनके घर कभी कोई नहीं आया था, इसलिए वो नीचे हॉल की तरफ जाने लगता है। चिरैन देखता है कि उनके घर में उस समय विभूषण आया हुआ था। चिरैन को वो देखकर ज़्यादा शौक नहीं लगता क्योंकि पिछले 2-3 सालों से वांगजी और विभूषण साथ में कुछ ज़्यादा ही समय बिता रहे थे। वेइंग काफ़ी पैनिक दिख रहा था और वो वांगजी से कहता है, मैं तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ लंजा, तुम्हें पता है कि इतनी ज़रूरी बात नहीं होती तो मैं तुम्हारे घर इस तरह नून में नहीं आता। वांगजी उससे पूछता है, क्या हुआ है वेइंग, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वैसे तो चिरैन उन दोनों की बातें नहीं सुनना चाहता था, लेकिन वेइंग की घबराई हुई हालत देखकर चिरैन की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वो उन दोनों की बातें सुनने वहीं रुक जाता है। वेइंग की आंखों से अब आंसू आने लगते हैं। वांगजी तुरंत उसे गले से लगाता है और उससे कहता है, स्वीट हार्ट क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो? ये देखकर चिरैन और भी ज़्यादा शॉक रह जाता है, वांगजी वेइंग को इतने प्यार से क्यों बुला रहा है? वेइंग का रोना अभी भी बंद नहीं होता और वो वांगजी से कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लैन चिरैन की आंखें अब खुली की खुली रह जाती हैं। विभूषण 18 साल का एक ओमेगा था, लेकिन वो इस बात पर शौक था कि वो ये सारी बातें उसके यंगेस्ट अल्फा नेफ्यू को क्यों बता रहा है। चिरैन सोचने लगता है, क्या वांगजी ने ही उसे प्रेग्नेंट किया है? 2-3 सालों से उन दोनों को साथ देखकर मुझे ये तो आइडिया हो गया था कि वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन वांगजी ऐसा भी कर सकता है? ये सोचकर चिरैन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। हालांकि उसे पता था कि वो ओल्डर जनरेशन से है और टाइम अब बदल रहा है, पर फिर भी हमेशा उसने अपने दोनों नेफ्यू को सही राह दिखाने की कोशिश की है। अब चिरैन वहीं खड़ा हो जाता है और वांगजी के रिस्पांस का इंतज़ार करता है। वो सोचने लगता है, अगर वांगजी को मेरी टीचिंग्स आज भी याद हैं तो वो इस बेबी की रिस्पांसिबिलिटी लेगा, वरना वो बाकी सारे अल्फाज की तरह एक प्रेग्नेंट ओमेगा को छोड़ देगा। वांगजी बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा चिरैन को उम्मीद थी। वांगजी ना ही विभूषण पर नाराज़ हुआ था और ना ही उसे किसी बात के लिए ब्लेम कर रहा था। वो उसे फिर से गले लगा लेता है और सॉफ्टली उससे कहता है, वेइंग तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वेइंग अब लाउडली रोने लगता है और उससे कहता है, मुझे केयरफुल रहना चाहिए था लंजा। वांगजी कहता है, हम दोनों को ही केयरफुल रहना चाहिए था, अगर तुम ब्लेम कर रहे हो तो मुझे भी ब्लेम करना चाहिए ना। वेइंग उससे कहता है, तो तुम उससे नाराज़ नहीं हो? वांगजी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज़ हूँगा वेइंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। वांगजी अब उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तो तुमने क्या करने का सोचा है वेइंग? ये तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा जो भी डिसीज़न हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, अगर तुम अबॉर्शन चाहते हो तो मेरे पास कुछ फंड्स हैं, मैं पे कर सकता हूँ। वेइंग अपने फ्लैट स्टमक पर हाथ फहराने लगता है और अपनी घबराती हुई आवाज़ में कहता है, लंजा वैसे तो मुझे कहना चाहिए कि हमें अबॉर्शन करा देना चाहिए क्योंकि हम दोनों ही अभी बहुत यंग हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मैं इसे जन्म देना चाहता हूँ लंजा। वांगजी मुस्कुराने लगता है और उसकी बेली पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा।
वुयिन की आंखों से अब खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो वांग जी को टाइटली हग करते हुए कहता है, लंजा हम दोनों बहुत यंग हैं, मुझे पता है कि हमने कुछ और ही प्लान किया था अपने फ्यूचर के लिए और मैंने सब मैस्ड अप कर दिया, पर मुझे ऑलरेडी इस बेबी से बहुत अटैच फील हो रहा है। वांग जी उससे कहता है, मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब विंग उससे कहता है, लंजा तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे, वो लोग तो सुपर ट्रेडिशनल हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ये न्यूज़ सुनकर बिल्कुल भी खुश होंगे, हम बिना शादी के बेबी को जन्म दे रहे हैं। वांग जी उससे कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे शादी करूँगा। विंग कहता है, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स अलग थे लंजा। वांग जी कहता है, विंग मेरे फ्यूचर में हमेशा से तुम थे, तो अब जब हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हैं तो किस बात का डर है। चिरैन को वांग जी पर अब प्राउड फील हो रहा था और आखिरकार अब वो उन दोनों के सामने आ ही जाता है। वुयिंग तुरंत वांग जी से अलग हो जाता है। वांग जी चिरैन से बात करने की कोशिश करता है, तभी चिरैन उससे कहता है, मैंने सब सुन लिया है वांग जी। वुयिंग तुरंत अपना सिर शर्म से झुका लेता है। वांग जी वहीं फ्रीज हो जाता है। चिरैन कहता है, तुम दोनों रिलैक्स फील करो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, हालांकि मैं तुम दोनों से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि तुम दोनों बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे, पर मैं नाराज़ नहीं हूँ। विंग फिर सिर झुकाते हुए कहता है, मास्टर लान मुझे माफ़ कर दीजिए। चिरैन कहता है, वेवुशन अब माफ़ी मांगना बंद करो, जैसा कि अभी मेरे नेफ्यू ने कहा, यह अकेले तुम्हारी की गलती नहीं है। उसे भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे पर उसने ऐसा नहीं किया। ये सुनने के बाद वांग जी के ईयर्स बुरी तरह रेड हो जाते हैं। वो दोनों टीनेजर्स चिरैन के सामने अब बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। विंग अपने डिफेंस में कहता है, अंकल हम दोनों ने प्रिकॉशंस लिए थे और मैं बर्थ कंट्रोल पर भी हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉन्डम्स यूज़ करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम हम भूल गए थे, मैंने सोचा कि सिर्फ पिल खाने से सेफ रहेगा। विंग को ये सब कहते वक्त बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वो अपने बॉयफ्रेंड के अंकल से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। चिरैन अब इस सिचुएशन को और अकॉर्ड नहीं बनाना चाहता था। वो उन दोनों से कहता है, एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं, तुमने जो भी कुछ किया मैं उस पर नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पीठ पीछे तुम दोनों कब से एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। वांग जी कहता है, मैं और विंग 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं अंकल। चिरैन विंग से कहता है, वेवुशन क्या तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता है। विंग कहता है, अंकल जियांग और मैडम यू को कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे सिबलिंग्स शिजे और ब्रदर जंगशा वो दोनों जानते हैं। तभी वांग जी भी कहता है, मैंने भी ब्रदर को कुछ नहीं बताया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब जानते हैं। अब विंग चिरैन से कहता है, मास्टर लान आपको हम दोनों के बारे में पता चल गया है, आप हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। चिरैन कहता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम दोनों के रिश्ते से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वांग जी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता है और मुझे बस इसी बात की परवाह है। तुम दोनों बेबी रखने का सोच रहे हो, हालांकि तुम्हारा ये समय नहीं है एक पेयर बनने का या पेरेंट्स बनने का, पर यह तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ के इस बड़े चेंज के लिए तैयार हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, इनफैक्ट मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। विंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो चिरैन से कहता है, क्या सच में, लेकिन क्यों, मुझे तो लगा था कि आप मुझे बहुत डांटेंगे और मुझे अभी तक घर से बाहर ही कर देंगे। चिरैन उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें इतना क्रूर लगता हूँ वेवुशन कि मैं तुम्हें एक ऐसी मिस्टेक के लिए बाहर कर दूंगा जिसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल मेरा नेफ्यू भी है। मुझे पता है कि मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, पर मैं हमेशा एक फेयर डिसीजन लेता हूँ। वांग जी के शॉक्ड एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि उसने भी चिरैन से यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब चिरैन विंग से कहता है, विभूषण क्या तुमने नहीं सोचा था कि मैं भी अपनी ग्रैंड नीस या ग्रैंड नेफ्यू की लाइफ में प्रेजेंट होना चाहूँगा। वांग जी मेरा नेफ्यू है और अब जब तुम उसके बेबी को जन्म देने वाले हो तो तुम मेरे नेफ्यू इन लॉ हो, तुम भी मेरी फैमिली हो और फैमिलीज़ को तो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ना, तो मैं तुम्हें ऐसे सिचुएशन में अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। ये सुनने के बाद विंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांग जी उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, मैं बस बहुत इमोशनल हो गया था। चिरैन सोचने लगता है, मैं समझ सकता हूँ ये प्रेगनेंसी हार्मोन्स है इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है।
अब विंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, अंकल मैंने सुना है कि आपकी फैमिली सुपर ट्रेडिशनल है, क्या वो लोग आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे अगर आप एक टीन प्रेग्नेंट ओमेगा को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करेंगे तो? चिरान कहता है, ये बात सच है कि हमारी फैमिली ट्रेडिशंस की बहुत वैल्यू करती है, लेकिन हम गुड मोरल्स की भी बहुत वैल्यू करते हैं। और क्या ये ठीक होगा कि मैं ऐसी सिचुएशन में तुम दोनों को अकेला छोड़ दूँ या वांग जी को फोर्स करूँ कि वो तुम्हारा साथ छोड़ दे? मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अबॉर्शन के लिए भी नहीं कह सकता। क्या ये सारी बातें एक अच्छे मोरल के अंदर आती हैं? तो जाहिर सी बात यही है कि मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूँगा। वांग जी भी इमोशनल हो जाता है और चिरन से कहता है, थैंक यू वेरी मच अंकल, आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। तभी शिचैन वहाँ आता है, वो अपने कॉलेज से तभी की तभी वापस आया था। वो वांग जी और वेइंग की टेयरी आइज देखकर चिरन से कहता है, अंकल वांग जी क्या सब कुछ ठीक है? लैन चिरन कहता है, तुम्हारा भाई फादर बनने वाला है शिचैन। शिचैन का फेस एकदम ब्लैंक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वांग जी क्या ये सच है? तभी वेइंग फिर से अपनी बैली पर हाथ फिराते हुए कहता है, ये सच है ब्रदर, मैं लंजा के बेबी को जन्म देने वाला हूँ। वांग जी कहता है, यस ब्रदर, वेइंग और मैंने डिसीजन लिया है कि हम दोनों इस बेबी का ख्याल रखेंगे और हम दोनों इस चॉइस से खुश हैं। शिचैन कहता है, वांग जी मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज रह गया था, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों वंडरफुल पेरेंट्स बनोगे। अब शिचैन वेइंग से कहता है, विभूषण तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली का इस बात पर कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? वेइंग कहता है, ऑनेस्टली ब्रदर मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैडम यू शायद मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगी। चिरैन कहता है, अगर ऐसा है तो तुम यहाँ आओगे और यहीं रहोगे, जब तक तुम और वांग जी अपने लिए खुद की जगह नहीं ढूंढ लेते तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। वेइंग कहता है, अंकल क्या आप श्योर हैं? चिरैन कहता है, विभूषण क्या मैं एक प्रेग्नेंट ओमेगा को इस तरह होमलेस होने दूंगा? और वैसे भी तुम्हारे स्कूल में एक महीना रह गया है, तुम स्कूल ड्रॉप नहीं कर सकते, तुम ग्रेजुएशन के बहुत नज़दीक हो। वेइंग कहता है, ठीक है फिर ये फाइनल है, जब तक मैं और लंजा अपना खुद का घर नहीं ढूंढ लेते हम दोनों यहीं रहेंगे। शिचैन कहता है, तो क्या तुम इतने श्योर हो कि तुम्हारी अडॉप्टिव मदर तुम्हें घर से बाहर कर ही देंगी? वेइंग कहता है, उन्हें मैं कभी भी अच्छा नहीं लगता था, स्पेशली जब उन्हें पता चला कि मैं एक ओमेगा हूँ, उन्हें मुझ पर विश्वास भी नहीं था, उन्हें लगता था कि मुझे और जंगशा को साथ नहीं रहना चाहिए, जबकि ये कितना रिडिकुलस है, वो मेरा भाई है, वो एक अल्फा भी नहीं है, वो एक बीटा है, पर उन्हें फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं था, उन्हें लगता था कि मैं उसे सिड्यूस करने की कोशिश करूंगा और ऐसी कोई स्टूपिड हरकत करूंगा। वेइंग को काफ़ी गुस्सा आता जा रहा था, वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और जेंटली उसका नाम लेता है। वेइंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैडम यू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और वो कोई ना कोई बहाना ही ढूंढ रही होंगी मुझे घर से बाहर निकालने का, और इससे अच्छा बहाना क्या हो सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसी उन्हें मुझसे एक्सपेक्टेशन थी, मैं 18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गया, अब वो मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करेंगी। फांग जी उससे कहता है, वेइंग रिलैक्स, उनकी ओपिनियन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा यहीं रहोगे मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला। तभी चिरैन भी कहता है, वुशियन अगर तुम्हें उन्हें सब कुछ बताने का डर लग रहा है तो मैं वांग जी और शिचैन भी तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारी फैमिली को बताएंगे इस बेबी के बारे में। अभी तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हारे और बेबी के लिए ठीक नहीं होगा। और तुम्हें और वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जब भी तुम्हें एंजाइटी इश्यूज होते हैं वांग जी हमेशा तुम्हें काम डाउन करने की कोशिश करता है। वेइंग कहता है, आपको कैसे पता? तो शिचैन कहता है, क्योंकि आखिरी 20 मिनट से वो ऐसा ही कर रहा है। वेइंग हंसते हुए कहता है, यस ब्रदर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी वो मेरे पास होता है तो मुझे बहुत काम फील होता है, जबकि अभी तक हम मेटेड भी नहीं हैं। चिरैन कहता है, तुम वांग जी के बेबी को जन्म देने वाले हो, जब कोई ओमेगा एक अल्फा के बेबी को जन्म देने वाला होता है तो उन दोनों में पार्शियल मेटिंग बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म्ड हो जाता है, तुम्हें क्या लगता है इस तरीके के अनबॉन्डेड प्रेग्नेंट ओमेगास को और किस लिए सोसाइटी नीची नज़रों से देखती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि ओमेगा का पार्शियली बॉन्ड बन चुका था पर उन्होंने उस बॉन्ड को कंप्लीट नहीं किया, तुम दोनों को भी अब अपना फुल बॉन्ड बनाना होगा।
वांग जी कहता है, मैं तैयार हूँ अंकल, शायद क्लेमिंग बाइट बॉन्ड बनाने का बेस्ट तरीका होता है। चरण कहता है, अगर तुम दोनों इसके लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बार बॉन्ड बनने के बाद तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते वांग जी। वांग जी कहता है, मैं अपना माइंड कभी नहीं बदलूंगा अंकल, वो बेबी मेरा है और विहिंग भी मेरा है। विहिंग मुस्कुराने लगता है और शिचैन उन दोनों से कंग्रेचुलेशंस कहता है। अब शिचैन विहिंग से कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली आज रात घर होगी वेवुशन, शायद उन्हें जल्दी से जल्दी बताना ही ठीक रहेगा। विहिंग कहता है, यस अंकल, वो सब घर पर ही होंगे। वो चारों विहिंग के घर के बाहर पहुँच जाते हैं। विहिंग अब घबराने लगता है और वो चरण से कहता है, अंकल अभी बताना ज़रूरी है क्या, हम उन्हें बाद में बता देंगे। चरण उससे कहता है, लड़के तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी फैमिली को तो बताना ही होगा ना, हम उनसे अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बात करेंगे। आखिरकार वो चारों अंदर पहुँच जाते हैं। मैडम यू विहिंग को तीनों लाइन्स के साथ देख कर कहती है, वेवुशन इस बार तुमने क्या कर दिया है। तभी लैन चरण कहता है, हम यहाँ कुछ डिस्कस करने के लिए आए हैं, वेवुशन और मेरे यंगेस्ट नेफ्यू लांगवांग जी से रिलेटेड। मैडम यू कहती है, तो इस बार वेवुशन के साथ साथ तुम्हारा नेफ्यू भी शामिल है। विहिंग उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा कपकपा रहा था। वांग जी उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। चरण कहता है, वो दोनों लड़के कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, और वो विहिंग से कहता है, वेवुशन क्या तुम खुद बताना चाहोगे। विहिंग फिर अपना सिर झुकाए खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, मैडम यू मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये लंजा का बेबी है, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम इसे जन्म देंगे। जांग फेंगम्यान, जांग यानली और जांग छा तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन मैडम यू के ऊपर कोई असर नहीं था, उसकी फेस पर अभी भी काम लुक था। वांग जी कंटिन्यू करते हुए कहता है, विहिंग 2 साल से मेरा बॉयफ्रेंड है। मैडम यू कहती है, तुम्हारे जैसा एक यंग अल्फा अभी तक इस विहिंग के साथ क्या कर रहा है। वांग जी कहता है, मैं विहिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैडम यू कन्फ्यूज्ड हो जाती है और वो वांग जी से कहती है, तुम एक लैन हो, क्या तुम्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल नहीं है, ये बस एक यूजलेस ओमेगा है और कोई नहीं। वांग जी की आंखों में अब बहुत गुस्सा दिखने लगता है। वो मैडम यू से कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो कोई यूजलेस ओमेगा नहीं है, वो एक इंटेलिजेंट वंडरफुल बॉय है जो आप नहीं देख सकें, तो ये आपका लॉस है। अब मैडम यू लान चरण से कहती है, चरण तुम्हारा नेफ्यू कह रहा है कि वो वेवुशन से शादी करेगा और तुमने ये बात एक्सेप्ट कर ली। चरण कहता है, वेवुशन और उसका बेबी हमारी फैमिली का अब एक पार्ट है, मैं और शिचैन उन दोनों को हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि वेवुशन को अब हमारे साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें नहीं लगता कि उसकी कोई परवाह करता है। यानली और जेंगशा सैड दिखने लगते हैं। मैडम यू इस बात पर कोई जवाब नहीं देती। जांग फेंगम्यान कहता है, आशियन क्या तुम चाहते हो कि तुम वहाँ जाकर रहो। विहिंग बहुत नर्वस दिखने लगता है और वो जांग फेंगम्यान से कहता है, शायद यही बेस्ट होगा अंकल, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर अब शायद मुझे आपकी फैमिली से हट जाना चाहिए। यानली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विहिंग के पास जाते हुए कहती है, आशियन तुम कोई बर्डन नहीं हो, कभी ऐसा मत सोचना। विहिंग कहता है, मैं जानता हूँ शिजे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैं लंजा के साथ ही रहना चाहता हूँ, वही मेरे लिए बेस्ट प्लेस होगा और हम दोनों वैसे भी अपना घर बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। जांग फेंगम्यान अब वांग जी से कहता है, लान वांग जी तुम अपने डिसीजन से पीछे तो नहीं हटोगे ना। वांग जी कहता है, अंकल विहिंग और उसका बेबी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा और दोनों का ख्याल रखूंगा। जांग फेंगम्यान मैडम यू की तरफ देखता है, जो अभी भी विहिंग को एक डर्टी लुक दे रही थी, और वो वांग जी से कहता है, शायद यही बेस्ट होगा कि वेवुशन अब तुम्हारे साथ अपना घर बसाए। विहिंग अपने सारे सामान पैक करता है और जाते वक्त एक बार अपने भाई बहनों को गले लगाता है। यानली उससे कहती है, वेवुशन अपने बारे में अपडेट्स देते रहना। जिंगजा कहता है, तुम और वांग जी सच में बहुत क्रेजी हो, लेकिन मैं फिर भी अपने नेफ्यू या फिर नीस का इंतज़ार कर रहा हूँ। चरण कहता है, वेवुशन का जो भी सामान रह गया है वो हम कल ले जाएंगे।
विभूषण एक बार और अपने भाई बहनों को हग करता है। शिचैन कार लेकर आ जाता है। वो तीनों कार में बैठते हैं और आखिरकार अपनी फैमिली के नए मेंबर को वापस घर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो ये हमारे नए फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट था। कैसा लगा आपको फर्स्ट पार्ट, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस फैन फिक्शन को कंटिन्यू करूं? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।